वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सबसे बड़ी कवरेज महाराष्ट्र में चल रही उठापटक को लेकर लगातार जारी है, और जाते जाते आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी जानकारी। अजित पवार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं का शुक्रिया ट्विटर के जरिए। लगातार बीते 12-13 मिनट से वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा है शुक्रिया। और आपको बता दें बड़ी जानकारी ये मिल रही है, अजित पवार ने ट्विटर हैंडल पर महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम जोड़ दिया है। ट्विटर हैंडल पर लिख दिया है कि वही है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो अब तक नहीं लिखा गया था। कल से लेकर अब तक इस बात का इंतजार वो कर रहे थे, और अब जाकर बीते 10-15 मिनट से वो इतने ज्यादा एक्टिव ट्विटर पर क्यों हुए हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, आत्मविश्वास का कारण क्या है, यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए आशुतोष, ठीक है आशुतोष बताइए कुछ कह रहे हैं आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो ये तो खैर ट्विटर हैंडल पे क्या हो रहा है तो बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जयंत पाटिल ने कहा था कि मेरे पास 51 लोगों के लिस्ट है। उन्होंने ये भी कहा था कि उसमें अजीत पवार का नाम है, लेकिन अजीत पवार का सिग्नेचर उसमें नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम और दिल्ली वल से पाटिल उनके पास जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अजीत पवार माने नहीं है, लेकिन अजीत पवार आज की तारीख में ये सर्वविदित है कि उनके पास विधायकों की संख्या नहीं है। अगर अजीत पवार के पास 36 विधायक नहीं होते, जिसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, तो वैसे में अजीत पवार के साथ जितने भी विधायक होंगे सबकी सदस्यता जाएगी, और किसी भी हालत में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित नहीं होता है। तो ये बीजेपी का जो की जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जब चुनाव हो रहे थे तब ये बात की जा रही थी कि वहाँ 225 से ज्यादा विधायक आ रहे हैं, अंत में आए कितने ये सबको मालूम है। और जब भी चुनाव होता है या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होता है तो इस तरीके के बयानबाजियां होती है, मुझे किसी तरह की हैरानी नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों ने जाके कहा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जल्द बुलाया जाए, बहुमत का आंकड़ा साबित हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना वो आश्वस्त है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको हरा देंगे। जी मुझे एक कमेंट जल्दी से उसके बाद में चेतन जी की जिस बयान की बात देखिए, अजित पवार का ये ट्विटर हैंडल जरा भी नजर डालिए तो आप भी के सहयोगी मेरे पास है, मेरे पास ठीक सर टीवी स्क्रीन पर भी बिल मैं इतना कह सकता हूँ, जिस बयान जयंत पाटिल जी की बयान की बात जो है अखिलेश जी कर रहे हैं, वो बयान सुबह 10 बजे का है, 9 बजे का जब वो गवर्नर हाउस से वापस आ रहे थे, उनसे 10 बार पूछने के बाद भी वो संख्या नहीं बता रहे थे। और जब बाहर में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ अजीत पवार उनका भी नाम है, लेकिन उनकी साइन और ये नहीं बताया कि और किस किस की साइन नहीं है उसमें, नाम तो उन्होंने सारे लिख रखे हैं, ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो बयान मैंने बड़ी गंभीरता से देखा है और उसको देखने के बाद मैं कमेंट्स कर रहा हूँ। साहिल जोशी ने तस्वीरों को कैप्चर किया था कल बीती शाम जब वो टहल टहल कर फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। और साहिल अब तो अजित पवार ने लिख भी दिया है ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, बता दिया है एनसीपी के बड़े नेताओं तक भी मैसेज पहुंचा दिया है कि मैं मानूंगा नहीं, रार बरकरार रहेगा और अब मैं ही हूं महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री। क्या समझा जाए इससे? देखिए पूरे 24 घंटे के बाद लगता है कि वो हमारी बातचीत सुन रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम रोहित सरदाना से बात कर रहे थे तब मैंने यही बात बताई थी कि अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे वो पॉजिटिव मीटिंग की बात कर रहे हैं कांग्रेस और शिवसेना के साथ में, और उसके बाद दनादन एक एक करके हमने देखा कि शुभकामनाओं को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। लेकिन उसमें एक चीज़ हमको देखनी होगी कि अभी तक एनसीपी की तरफ से किसी ने भी उनको शुभकामनाएं नहीं दी है, वो जितने शुभकामनाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं और थैंक यू कह रहे हैं वो सारे बीजेपी के नेता है और बीजेपी के मंत्री है। दूसरा हमने तुरंत कहा कि भाई उन्होंने अभी भी फॉरवर्ड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रखा है बायो में, तब उनके ट्विटर हैंडल पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ गया। तो अब हम एक बात और कह देते हैं कि वो 30 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन 30 लोगों में एक भी बीजेपी का नेता नहीं है, ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब वो कम से कम उनको भी फॉलो कर ले, तो ये पता चल जाएगा कि अब उनके वापस जाने के रास्ते सारे उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि अभी भी वो एनसीपी के ही नेताओं को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी बीजेपी से के किसी भी नेताओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी वो थोड़ी देर में उनको भी फॉलो करना शुरू कर दे। लेकिन कुल मिलाकर अजीत पवार ने अब ये मैसेज दे दिया है कि वो नहीं मानेंगे, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में कहा था कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं वो एनसीपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लगता है उसी तरीके से अजित पवार ने फिलहाल ये कह दिया है कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं वो वापस अब एनसीपी में नहीं आएंगे। बजाय इसके कि वो जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल को ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी के बेहतर इंटरेस्ट में होगा कि अगर वो बीजेपी के साथ और फडणवीस के साथ सरकार बना ले तो वो पार्टी के भी हित में होगा, ये बात वो उनको बताने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अजीत पवार को अभी भी ये कॉन्फिडेंस है कि उनके कुछ ट्रोजन हॉर्सेस, कुछ ऐसे लोग उनके हैं कि जो फिलहाल तो रेनेसांस होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट आएगा तब हो सकता है कि वो जंप कर दे। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि जो रूल्स और नेगोशिएशन रूल्स है बेसिकली असेंबली के प्रोसीडिंग्स के, और उसके साथ साथ जो कानूनी पेचीदगियां है उसका वो पुरजोर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड लीडर थे लेजिस्लेटिव पार्टी के, एनसीपी के। अब एनसीपी ने अपना लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता बदला है और खत दिया है गवर्नर को कि हमने ये लीडर बदल दिया है। हालांकि उसका कॉग्निजेंस गवर्नर ने अभी तक लिया नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर तो फिलहाल गवर्नर हाउस में है नहीं। तो ऐसे में क्या दो व्हिप जारी किए जाएंगे एनसीपी के विधायकों को, एक शरद पवार की तरफ से और दूसरा जयंत पाटिल की तरफ से, और ये मामला कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में जाके फंस जा सकता है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकल के आ जाएगा। उनके जो ट्रोजन हॉर्सेस फिलहाल रेनेसा होटल में बैठे हुए हैं, क्या वो एन मूवमेंट पे अपनी जगह स्विच कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि शरद पवार ये तय करके रेनेसा होटल गए थे कि वो हर किसी से इंडिविजुअली बात करेंगे, उनको बताएंगे कि जो वो कर रहे हैं वो गलती कर रहे थे, और अब उनको एनसीपी के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरी खबर उनके तरफ से भी रखी गई है। उनको पता है कि पिछले 20 साल से अजीत पवार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल थे। अजीत पवार जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जिला परिषद नगर पालिकाओं की जो चुनाव होते हैं उसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल थे, तो उनका भी अपना एक समर्थन पार्टी में है। और ऐसे में अब दोबारा अगर उनके खिलाफ कोई बड़ा ये तैयार करना है तो शरद पवार को भी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। फिलहाल अजीत पवार के साथ जितने बड़े नेता थे, सुनील तटकरे हो या धनंजय मुंडे हो, वो फिलहाल उनके साथ वहां पर नहीं है, वो सारे शरद पवार के साथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अजीत पवार के पास कोई अभी आदमी नहीं है उनके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन क्या सचमुच में जब फ्लोर टेस्ट के दिन क्या होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और सारे लोग अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इस बात को भी मानना चाहिए कि अजित पवार भी इतने कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं, क्योंकि 7 बार वो भी बारामती से विधायक चुनकर उसी जगह से आए हैं जहां से 6 बार शरद पवार चुनकर आए हैं। और आपको बता दें, ट्विटर हैंडल पर थोड़ी देर पहले एक तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री अपने नाम के साथ नीचे जोड़ लिया है महाराष्ट्र का, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 9 बड़े नेताओं का अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने जवाब देते हुए शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया है कि हम महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।